तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फोन के गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई भी अदर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल के सेटिंग से आप अपने व्हाट्सएप से किसी के भी स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना, और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जिसका भी स्टेटस आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटस को मैं देख लेता हूँ आपके सामने। तो ये रहा स्टेटस। तो देख लिया फ्रेंड्स मैंने ये वाला स्टेटस को देख लिया। अब यही स्टेटस आपको जो भी स्टेटस को डाउनलोड करना है उस स्टेटस को केवल एक बार देख लेना है। उस स्टेटस को जैसे ही देखेंगे आप, वो आपके फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से इसे होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपने सबसे पहले अपने मोबाइल के फाइल ऐप को ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फाइल्स ऐप को यहाँ से ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटरनल स्टोरेज का। तो आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इंटरनल स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉयड का। तो आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तीन ऑप्शन, डाटा, मीडिया और ओब। तो आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप में जाना है, और व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टेटस का। तो देखिए वॉलपेपर, व्हाट्सएप एनिमेटेड, व्हाट्सएप ऑडियो, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप प्रोफाइल, व्हाट्सएप स्टिकर, व्हाट्सएप वीडियो और व्हाट्सएप वॉइस नोट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो स्टेटस का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टेटस का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो ये कैसे डाउनलोड होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद आपको एक सेटिंग करना है, तभी ये आपको स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। तो सेटिंग क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको शुरू से फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अपने फाइल को ओपन किया, और ओपन करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये वाला, शो हिडन फाइल। आपको शो हिडन फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शो हिडन फाइल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये अलाउ हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जब भी आप कोई भी स्टेटस को डाउनलोड करना चाहेंगे वो इजीली से हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, और अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे जाने के बाद चलिए मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा देता हूँ ये वाला स्टेटस को। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ, और देखता हूँ डाउनलोड हुआ या नहीं। इसके लिए मैं इस स्टेटस को यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। तो देख लिया फ्रेंड्स, मैंने इस स्टेटस को देखा, और चलिए अब इस स्टेटस को देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड हुआ या नहीं। इसके लिए फिर से आप यहाँ से इंटरनल स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉयड का। तो आपका एंड्रॉयड वाला ऑप्शन जहाँ भी दिखेगा आपको वहाँ पे क्लिक करना है। मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा, मीडिया और ऑप का ऑप्शन है। तो आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉम व्हाट्सएप लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर कॉम डॉट व्हाट्सएप, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। फिर से व्हाट्सएप पे क्लिक करना है आपको। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए शेयर, स्टिकर, थम्स अप, थम्स, ट्रैश, बैकअप, डाटाबेस और मीडिया। तो आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम जैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स वैसे ही आपको करना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे दिया, जो उस समय पहले दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी स्टेटस देखा है वो सारे स्टेटस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से टच करके दिखा देता हूँ। जैसे टच करूँगा वो स्टेटस चलने लगेगा। तो देख लिया फ्रेंड्स, ये स्टेटस यहाँ पे मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। और मैंने इससे पहले भी देखा था, जो उसमें हिडन फाइल्स का ऑप्शन ऑन नहीं था, तो वो भी दो बार डाउनलोड हो चुका है।
देख लिया फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को आप अपने फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।